ये स्कूल जा रही है। जल्दी 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 निकल, जल्दी निकल, जल्दी निकल। ऐसा कौन निकालता है, ऐसा कौन निकालता है? अरे ऐसे गंदे मत करे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, ओम सायराम, जय माता दी आप सभी को। दोस्तों वेलकम टू यू आर जी डी व्लॉग चैनल, आप सभी का स्वागत है। सुबह के अभी 6 बज रही है और मैं अभी अपने गांव में हूँ। कितना प्यारा और कितना मस्त व्यू देखिए। ये मेरा घर, इधर पुराना घर। अभी लाइटें जल रही है, सुबह की 6 बज रही है और मैं भी उठ गया हूँ। सब सुनसान, सब सोए हैं, देखिए इधर कोई भी नहीं उठा हुआ है। तो आज मैं आपको मेरे घर का अंदर का व्यू बताऊँगा कि अंदर से मेरा घर कैसे दिखता है, जहाँ पर हम रहते हैं, पुराना जो घर है, जो यहाँ पर रह रहे हम, यहाँ अंदर से वो कैसे दिखता है वो आपको दिखाऊंगा मैं आज। और आज आपको मैं नर्मदा माता जी के दर्शन भी करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी बहुत बेहतरीन पानी आया हुआ है, बहुत जैसा बारिश का पानी गिरा था तो पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ है। पुल से आपको दिखाऊंगा, सभी के घर डूबे हुए हैं, हमारा भी, मेरा घर भी दिखा दूँगा आपको। चलेंगे रास्ते में तो घर भी दिखा दूँगा, जो मेरा पुराना घर था वो भी दिखा दूँगा। नया घर तो अभी बन रहा है, अभी तो अभी हम यहीं पर रह रहे, अभी दीपावली तक जाएंगे वहाँ पर, अभी नहीं जाएंगे क्योंकि अभी बनने में बहुत थोड़ा टाइम लगेगा उसको। देखिए दोस्तों, सुबह का व्यू कितना प्यारा और कितना सुंदर है, वाव। बादल कैसे दिख रहे, बादल वगैरह देखिए। और उधर बावन गजा है, उधर बावन गजा देखिए, बावन गजा की पहाड़ी है। यहाँ से बहुत सुंदर दिखती है, बहुत अच्छे दिखते हैं, एक नंबर। और ये देखिए इधर, अभी तो सब सोए हुए हैं। अभी चलते अपने घर के अंदर, यहाँ पर रहते। तो अभी अंदर से आपको दिखाऊँगा कि अंदर का व्यू कैसा है, अंदर से कैसे दिखता है राजा जादू का घर। है ना, अभी तो चलो चलते हैं। अभी तो सब सोए हैं क्योंकि सुबह की 6 बज रही हैं, इसके लिए सब सोए हुए हैं। तो मैं अभी तो आपको उनको जगाता नहीं हूँ ज़्यादा। है ना, मैं क्या वहाँ भाभी के उधर, उधर भैया के वहाँ सोया था और इधर सोए तो सब उठाता हूँ, ज़रा बैक कैमरे से दिखाता हूँ। मम्मी, हाँ मम्मी ने आवाज़ दे दिया, मम्मी उठ गई है। चलते हैं घर के अंदर और ब्रश वगैरह करते हैं, इसके बाद में मैं घर के अंदर का व्यू दिखाऊंगा। देखिए मेरे घर के यहाँ पे कितना प्यारा पौधा है, वाओ मस्त दिख रहा है। ये झाड़ भी कितना सुंदर दिख रहा है, देखिए। ब्रश ले लिया है, कोलगेट ले लिया है, कोलगेट करते फटाफट जल्दी से, फिर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सुबह सुबह बारिश चालू हो गई है, बारिश चालू हो गई सुबह सुबह। बारिश होता है तो बहुत अच्छा लगता है। अभी क्या है कि श्रावण के सेरे चल रहे हैं तो बारिश होते रहती है, धीरे 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 होते रहती है। देखिए अभी पानी गिर रहा है, गीले हो जाएंगे। चलिए अंदर चलते हैं। सुबह की चाय और तो नमकीन। कुकू से मिलाता हूँ। कुकू इधर आ, देख देखो वीडियो बना। कुकू जल्दी जल्दी जल्दी, कुकू जल्दी आ, जल्दी जल्दी देना। कुकू भाग गई है। ये सभी तो मैं अभी आपको कुकू से मिलाता हूँ, हमारी भतीजी है, बहुत क्यूट है। जोर से तो बोल नहीं रहे, तो बहुत धीरे धीरे बोल रही है, जोर जोर से बोल जा। अरे बाप, इतनी जोर से बोलेगी, मैं तो डर गया। वाह, थाली बजाओ, वेरी गुड, बोल दो, बाय कर दे, चुम्मा दे दे, चुम्मा। अभी तू स्कूल जाने के लिए तैयार होगी नहीं, फिर तेरा वीडियो मजा। अभी अच्छे से नहा धो ले, वो क्या निधि भी नहा रही हो, तू भी नहा ले ना। हमारी बुलेट, वाह। जल्दी निकल, ऐसा कौन निकालता है, ऐसा कौन निकालता है? इसको देखो कपड़े कैसे निकाल रहा है, बोल दो जल्दी। हाय बाय बाय। बोल दे। हाय, अब हम स्कूल जाएंगे। स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और अभी हम तैयार हो रहे हैं और ये बेनू नहाने। ओए देखो का, इसका जल्दी। हां? स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं हमारी झिंगली, इधर आ जा झिंगली,
झिंगली और सोनू। जी हाँ इधर आ जा। झिंगली तेरा नाम बता दे, तेरा नाम बता दे, तेरा नाम बता तेरा। अच्छा निधि नाम है इसका, नाम निधि है लेकिन इसको प्यार से हम झिंगली बोलते हैं, है नहीं? जा तैयार हो जा जल्दी। हाँ ये हमारा कुत्ता है, कुत्ती देखो हुआ रहे ऊपर में। अरे तेरी तो मेरे आई कर दे, ये देखिए इसको आ जा, चला जा चल तेरे को, आ जा रोटी खिलाऊंगा मैं। अरे 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 आ जा। ये देख पूरे कपड़े तूने गंदे कर दिए। अरे ऐसे गंदे मत करे, दे रोटी, चला आ जा तेरे को रोटी खिलाता हूँ, रुक जा टुकड़े। दोस्तों देखिए यहाँ से हमारे घर के यहाँ से 52 गज की पहाड़ियाँ पूरी यहाँ वहाँ से वहाँ तक पूरी ऐसे घिरी हुई है, और बहुत सुंदर दिखती है, बहुत प्यारी दिखती है, बहुत हसीन वादियाँ है पूरी 52 गज की पहाड़ियाँ, बहुत मस्त दिखती हैं। दोस्तों घर पे अभी पानी नहीं आया हुआ है, पानी कुछ भी नहीं है, तो मैं अभी ट्यूबवेल चालू कर देता हूँ नहाने के लिए। ये है ट्यूबवेल, चक ये चौगा चल्लू, और अब जा रहा है पानी। मम्मी एनीवन मम्मी, इसको ढक देता हूँ, पानी आ गया है ट्यूबवेल में, है ना, अब नहाते हैं। चलिए दोस्तों अभी फटाफट नहा लेते हैं, नहाने के बाद में चलेंगे अपन माँ नर्मदा माता जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि पानी अभी बहुत आया हुआ है नर्मदा माता जी में, मतलब कि बेहतरीन अभी बरसात बहुत हो रही है, तो उनाव का पानी, बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ है। जो पुराना गांव है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, मेरा घर भी दिखाऊंगा पुराना, और वो भी डूब गया है पूरी तरीके से, बेकार हो गया है। तो चलिए चलते हैं, पहले नहाते हैं फिर चलेंगे माँ नर्मदा माता जी के दर्शन करने के लिए। ये हमारे यहाँ का ट्यूबवेल का पानी कितना फास्ट आता है। वाले की सब्जी, मिर्ची तली हुई रोटी, ये वाव मजा आएगा। पानी हाथ तक था क्यों? दोस्तों मैंने अभी आपको कहा था कि माँ नर्मदा माता जी के आपको दर्शन करवाऊंगा, तो ये देखिए माँ नर्मदा माता जी, ये कोटेश्वर से ही आ रहा है पानी। अभी क्या है कि बरसात बहुत हो रही है, तो पानी बैक वाटर सब आ रहा है पानी, तो अभी देखिए पूरा गांव ऐसा, ये जो हमारा पुराना गांव है तो पूरा डूब गया है, और पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देख लीजिए ये देखिए, आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों पानी कितना है जी। अभी शायद बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा नहीं, शायद ज़्यादा था, है नहीं उधर ज़्यादा था शायद, उधर यहाँ तक था पानी लेकिन अभी कम हो गया। देखिए बहुत ज़्यादा पानी, वो बड़ा पुल है, वो देखिए बड़ा पुल है, और यहाँ पे एक पुल था जो पुराना, वो पूरा डूब गया। हाय सावन, तो अभी मैं आपको बड़े पुल पे ले जाऊँगा, जो नया पुल बनाया वहाँ पर ले जाऊँगा, और वहाँ से दिखाऊँगा आपको पूरा दृश्य, दिखाऊँगा कि कितना बेहतरीन पानी। छोटा पुल जो पुल था पुराना पुल, वो डूब गया है, और अभी अपन चलते नए पुल पे, वो है नया पुल उधर, तो घूम के जाना पड़ेगा अपन को, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों मैं भी आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये मेरा पुराना घर है, पूरा टूट गया है पूरी तरीके से, पानी अभी इधर भी आने वाला है, अभी थोड़े दूर और आ गया पानी, बस अभी इधर भी आने वाला है। ये घर देखिए पूरा मेरा टूट गया है, ये वाला घर मेरा पुराना घर जो मेरी जन्मभूमि है, आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ से कितना अद्भुत दृश्य दिख रहा है माँ नर्मदा माता जी का, बहुत बहुत ज़्यादा पानी है, और मैं अभी बड़े पुल पे हूँ, और देखिए बहुत बेहतरीन पानी, रुको मैं आपको बैक कैमरे से ये देखिए, यहाँ पे पुराना पुल था वो भी पूरा डूब गया है, पानी कितना बहुत ज़्यादा है, सब झाड़ वगैरह, वो शंकर मंदिर भी डूब गया पूरा उधर, क्योंकि बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा है, पानी बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है इस कारण। ये देखिए वो कोटेश्वर उधर है, माँ नर्मदा माता जी का ही पानी है पूरा, उधर कोटेश्वर से आ रहा है। ये देखिए पुल से कितना अच्छा बेहतरीन दिख रहा है, और अभी बादल वगैरह छाए हुए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए इधर भी पानी ही पानी है। दोस्तों मैंने आपको माँ नर्मदा माता जी के दर्शन भी करवा दिए, और मैंने कहा था आपको कि घर, मेरा घर अंदर से कैसे दिखता है, तो चलिए चलते अब मेरे घर के अंदर। वाओ, तो दोस्तों अभी मैं आपको घर के अंदर का नज़ारा दिखाऊंगा, नज़ारा क्या घर के अंदर लेके चल रहा हूँ कि मेरा घर अंदर से कैसे दिखता है।
तो ये देखिए दोस्तों, मेरा घर अंदर से ऐसे दिखता है। इधर आ गया, ये कांच वगैरह है, कांच। और ये है कूलर, एकदम कूलर है। अच्छा, ये कूलर पानी का इधर सोफा फिट वगैरह है, सोने का। इधर ये मंदिर देखिए, साईं बाबा, माता जी, भगवान, महाकाल भगवान। और टीवी है, ये टीवी करीब समथिंग बहुत पुरानी टीवी है मेरी। ये इसको, इस टीवी को हो गए करीब 15 से 16 साल हो गए इस टीवी को। बहुत पुरानी टीवी है ये, टीवी बहुत पुरानी है, अभी तक चल रही है। और इधर ही कितना प्यारा दिख रहा है, वाओ। वो इधर छोटा मोटा किचन, ये हमारा किचन है छोटा सा, ये देखिए इधर। तो दोस्तों, आप सभी के आशीर्वाद और आप सभी के प्यार मोहब्बत से मेरा घर बहुत जल्द बनने वाला है। न्यू घर बन रहा है, अभी आधा हो गया है, काम चालू है अभी, तो बहुत जल्द बनने वाला है और हम बहुत जल्द वहाँ पर शिफ्ट होने वाला है। फिर आपको नए घर का भी वीडियोस वगैरह बहुत अच्छे तरीके से बनाकर दिखाऊंगा। अभी तो हम काफ़ी समय से अभी यहीं पर रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे, मस्त एक नंबर है ना। तो ये मेरे घर के अंदर का नज़ारा था, अच्छा था, और हम यहाँ पर रह रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास में जो पवित्र घंटी है उसे क्लिक कर लेना, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो पास में पवित्र घंटी है उसे क्लिक कर लेना, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू, बाय बाय।